सामने आपको ढाई दिन का झोपड़ा भी नजर आ रहा होगा, ये ठीक ढाई दिन के झोपड़े के अंदर का फ्रूट चाट है। कितने की थी? 20 रुपए की। 20 रुपए की। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे। ये दस्तरखान है, घर की शान है, 100 रुपए का। अच्छा, होलसेल की रेट। एक कश्मीरी चादर है 100 रुपए की, ये दुपट्टा 150 का। दो क्या सवारी? 150 रुपए आना जाना। और कहाँ कहाँ जाती है ऐसे गाड़ी? आना सागर, पुष्कर, सरवाड़, सांबर। कौन सा शरबत है भैया? मोहब्बत शरबत भाई। मोहब्बत शरबत, क्या बात कर रहा हूँ। 10 रुपए में आओ भाई, 10 रुपए गिलास। हमारे यहाँ गोश्त, रोटी, कीमा, कलेजी, पाया, कबाब, हर चीज मिलता है। चिकन फ्राई है, कबाब है, रोटी, तामी कबाब, पराठे। शाम के टाइम ही रहते हो क्या? हाँ। कितने बजे रेडी रहेगा तो मामला? ये सर के बाद में चालू हो जाएगा। अच्छा, इधर 100 रुपए है, इधर का 150 रुपए है, इधर 200 रुपए है। जद वाला है, बीत वाला है, 50 वाला है, 100 वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है। अच्छा, 200 वाला कौन सा इसमें खिलौना है? आज हम दोस्तों अजमेर शरीफ के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर आप देख सकते हैं हम ढाई दिन की मार्केट के अंदर है, जो कि अंदरकोट मार्केट के नाम से जानी जाती है। और ये ढाई दिन की झोपड़ी की मार्केट है, इस पर हम अभी आगे चलेंगे और आगे चल के यहाँ पर जो खाने पीने की दुकानें और पार्किंग वगैरह, जो तारागढ़ की गाड़ी जाती है उसका चार्ज वगैरह भी मालूम करेंगे, और यहाँ पर जो खाने की शॉप वगैरह है उसका भी पूरा मालूम करेंगे। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को आप जरा से स्किप न करें। चलिए हम चलते हैं भाई, यहाँ सामने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनसे पूछते हैं प्रोडक्ट का भाव क्या है। क्या है? फ्रूट चाट है। कितने की थी? 20 रुपए की। 20 रुपए की। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के और भी यहाँ की जानकारी लेते हैं। सामने आपको एरन बंदों की दुकान यहाँ पर नजर आ रही है, लेडीज़ के हार वगैरह हैं यहाँ पर, अभी प्राइस वगैरह मालूम करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे चल के जो खाने की होटलें और पार्किंग वगैरह का चार्ज है उसके बारे में मालूम करेंगे। तो आइए भैया से मालूम करते हैं। कितने का दिया सामने वाला? 100 रुपए का है। ये कौन सा वाला? इधर 100 रुपए का है, इधर 150 रुपए का है। थोड़ा खड़ा होकर दिखाओ कौन से सोफा है। ये देखिए, ये यहाँ से इधर 100 रुपए है, इधर का 150 रुपए है, इधर 200 रुपए है, ये कड़े 200 रुपए है। कौन से यहाँ ले? ये सब 200 रुपए है। महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता मिलेगा आपको। कौन सी जगह है आपकी ये दुकान जो है? ये ढाई दिन झोपड़े के पास है, अथाई चौक मस्जिद के सामने। और ये ढाई दिन की मार्केट है, जैसे भैया ने बताया हमें कि ये पूरे ढाई दिन की मार्केट के अंदर दुकान है, और इस तरफ से भी हम आए और अभी चलेंगे हम आगे की तरफ। आगे से थोड़ा सिलका आ रहा है हमारे कैमरे पर, और सामने जो है शरबत की दुकान है, शरबत का मालूम करते हैं, शरबत की मालूम करके फिर अभी आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा शरबत है भैया? मोहब्बत शरबत भाई। मोहब्बत शरबत, क्या बात कर रहा हूँ। 10 रुपए में आओ भाई, 10 रुपए, 10 रुपए गिलास। भैया कितने कितने के दे रहे? हाँ ले लो, जितने भी चाहिए उतने के। जितने भी चाहिए उतने के। कितना दे रहे? इसमें क्या है? सब चाहिए, 10 वाला है, 20 वाला है, 50 वाला है, 100 वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है। अच्छा, 200 वाला कौन सा इसमें खिलौना है? चलिए हम चलते हैं आगे, क्योंकि भैया थोड़ा शर्मा रहे हैं बताने में, झिझक रहे हैं। 200 वाला खिलौना बता रहे हैं, कहीं 50 वाला बता रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे पार्किंग के पास में, वहाँ पर पार्किंग के पास में क्या क्या है, और तारागढ़ जाने का क्या चार्ज वगैरह वहाँ से लगता है, और आना सागर वगैरह सभी जगह वहाँ से गाड़ी आती है, और खाने वगैरह की भी वहाँ पर दुकान है, तो पूरा मालूम करके अभी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आप जो मार्केट देख रहे हैं, अजमेर शरीफ ढाई दिन की झोपड़े की मार्केट है, और ये बिल्कुल अताई चौक के पास में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो फुटपाथ पर लेकर। तो ये पूरा मार्केट कुछ इस तरह का है, अजमेर शरीफ ढाई दिन के झोपड़े का मार्केट, जो कि ढाई दिन के मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये अंदरकोट है, अंदरकोट का इलाका है, अंदरकोट के अंदर ये पूरी पार्किंग वगैरह यहाँ पर मौजूद है, पार्किंग अंदरकोट पार्किंग के नाम से जानी जाती है। तो अभी हम चलते हैं आगे और भैया से मालूम करते हैं, यहाँ पर सामने भी कुछ खाने की शॉप वगैरह की तैयारी हो रही है अभी, तो मालूम करते हैं इनसे इनके बारे में क्या बेच रहे हैं यहाँ पर। क्या 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 लगाते हो? एक गोटी, तामी कबाब, पराठे। शाम के टाइम ही रहते हो क्या? हाँ। कितने बजे रेडी रहेगा तो मामला? ये सर के बाद में चालू हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, आएंगे दोबारा तो देखेंगे। तो ये भैया तो शाम तक लगाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर जो पार्किंग के चार्ज वगैरह हैं तारागढ़ जाने का, या अपन आना सागर जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो उसके चार्ज वगैरह कह लेते हैं। तो आइए मालूम करते हैं भैया से। क्या सवारी है तारागढ़ की? 150 रुपए आना जाना। और कहाँ कहाँ जाती है ऐसे गाड़ी? आना सागर, पुष्कर, सरवाड़, सांबर। सरवाड़ का 250 रुपए सवारी आना जाना। तो गाड़ी बुकिंग के हिसाब से? सवारी के साथ? सवारी के हिसाब से, शेयरिंग में। अच्छा, कौन सी पार्किंग लाती है? ये ढाई दिन का झोपड़ा पार्किंग। भैया ने गाड़ी वगैरह का चार्ज बता दिया। अब चलिए चलते हैं सामने की तरफ, यहाँ पर ठीक है जो बिरयानी की दुकान है, यहाँ पर बिरयानी का कितने की प्लेट है मालूम करते हैं भैया से। तो बिरयानी की कितने की प्लेट है भैया? 20 रुपए प्लेट है, 120 रुपए किलो है। हमारे यहाँ गोश्त, रोटी, कीमा, कलेजी, पाया, कबाब, हर चीज मिलता है। चिकन फ्राई है, कबाब है, पाया है,
सब चीज मिलता है, हाथ की रोटी है। ये पाया 60 रुपए का फुल प्लेट रहता है, एक नली रहती है, दो गोश्त रहता है इसमें साथ में ये, और ये हमारे पास कीमा है और सादा राइस रहता है। सादा राइस आपको पूरे अजमेर में किसी के नहीं मिलेगा, देखिए एक एक राइस मुंह से बोलेगा। सादा राइस है, दाल डाल के 30 रुपए का, गोट डाल के 60 रुपए का, पाया डाल के 60 रुपए का, ये दाल चावल मिला के 30 रुपए प्लेट है हमारे पास। कढ़ाई चा सालन है हमारे पास 60 रुपए का, वो चिकन फ्राई 80 रुपए का 250 ग्राम है, कबाब 10 रुपए का एक है, बड़े का गोश्त का कबाब है, सोयाबीन कोई कहेगा 1 लाख रुपए उसका इनाम। और ये हाथ की चपाती रोटी है 5 रुपए की एक, मछली फ्राई 80 रुपए का 250 ग्राम, कोफ्ते हैं नरगिसी कोफ्ते, मलाई कोफ्ते 60 रुपए का 2 पीस आता है, और अंडा अंडा कड़ी है हमारी यूपी कानपुर की मशहूर बिरयानी है, ये कोरमा चिकन कोरमा बड़े का कोरमा सब मिलता है 60 रुपए का एक प्लेट। कौन सी जगह खिलाते हैं? हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े के सामने अजीम चिकन बिरयानी सेंटर, कभी भी आप अजमेर आइए आपको हमेशा आपकी दीवा सेवा का मौका मिलेगा, आपको कभी भी आइए। ये 25 साल पुरानी हमारी दुकान है, हमारे 25 साल पुरानी दुकान, कभी भी आइए, हमारे नाम से लोग बाग बेच रहे हैं यहाँ पे, मगर दुकान को पहचान ले। चप्पल तो भैया की शॉप जो है ठीक है 2.5 दिन के झोपड़े की पार्किंग के सामने है, और अब चलिए चलते हैं अंदर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर, और अंदर का दिखाते हैं किस तरह 2.5 दिन के झोपड़े की मार्केट होने वाली है। अंदर से मार्केट जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ठीक अंदर जाने का एंट्री है, और इसके ठीक बाहर कपड़े की शॉप वगैरह, तो यहाँ भी प्राइस वगैरह मालूम कर लेते हैं। कितने के 200 रुपए? कौन सा 100 वाला? ये दस्तरखान है, घर की शान है, 100 रुपए का। अच्छा, होलसेल की रेट? एक कश्मीरी चादर है 100 रुपए की, ये दुपट्टा 150 का, दो ये बम्बैया दुपट्टा कहते हैं 100 लीटर 120 रुपए का। ठीक है जी, जैसे कि भैया ने बता दिया अपना होटल का नाम भी बता दिया, और होटल के ठीक बाहर की तरफ ही भैया लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर दुपट्टे वगैरह यहाँ पर, और ये ठीक 2.5 दिन के झोपड़े के 5वें रास्ते आ रहा है अंदर, 2.5 दिन के झोपड़े की एंट्री है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी आपको लकड़ी से बने हुए आइटम वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, खिलौने वगैरह घड़ी और सभी प्रकार का यहाँ पर, एरन बंदों की दुकानें भी आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। ये ठीक 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर जो इलाका है, जो जगह है, उस जगह का ये पूरा देख सकते हैं आप, सामने आपको 2.5 दिन का झोपड़ा भी नज़र आ रहा होगा। ये ठीक 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर, कभी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर भी चलेंगे, मगर अभी हमारा वीडियो यहीं तक कड़ा था 2.5 दिन के झोपड़े का। आपको जो अजमेर शरीफ से 2.5 दिन के झोपड़े का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, जो 2.5 दिन की हमने मार्केट बताई है, और यहाँ पर जो लोगों से प्राइस वगैरह मालूम करें वो आपको कैसे लगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।